हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, यानी कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो कहां पे रुकेगी। तो क्या है पहला क्वेश्चन, राइट विल बी द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, स्टार्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट पार्ट है इसका, तो स्टार्ट फ्रॉम 12 मेक्स हाफ ड्यूरेशन, यानी कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 12 से स्टार्ट होगी और हाफ ड्यूरेशन बनाएगी हाफ। तो पहले यहां से शुरू हो गए, 12 से स्टार्ट हो गए, तो ये पूरा यहां से चलते 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 यहां पर ले आप घड़ी में करोगे यहां रुकेगी, तो ये हाफ ड्यूरेशन होता है। तो कहां पर रुकती है, ये 6 के ऊपर रुकेगी, यानी कि पहला 6 के ऊपर। इसी तरह से बी पार्ट कहा है स्टार्ट फ्रॉम 2, तो घड़ी की जो मिनट हैंड अगर यहां पे है 2 पे, तो यहां से स्टार्ट होती है और ये कितना ड्यूरेशन बनाती है, ये भी हाफ ड्यूरेशन बनाती है। हाफ यानी कि 6 पार्ट ऑफ ए क्लॉक, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ये चलती हुई गाड़ी सुई है जो यहां से स्टार्ट होगी 2 से, यहां तक जाएगी। ये मैंने एरो बढ़ा रखा है, यहां से स्टार्ट होने के बाद में ये 2 से चली 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट और 6 पार्ट, यानी कि ये कहां पर रुकेगी, 8 पे ऊपर रुकेगी, यानी कि 8 जो मेंट वाली सुई 8 के ऊपर आकर स्टॉप हो जाएगी, तो इसका टाइम जो होगा 8 मिनट। नेक्स्ट सी पार्ट, व्हेन पार्ट, व्हेन मिड हैंड स्टार्ट फ्रॉम 5 से स्टार्ट होगी एंड कितना रिलेशन, 1-4 रिलेशन, रिलेशन इसका 1-4, तो 1-4 का मतलब 3 पार्ट ऑफ ए क्लॉक, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी कि 5 से स्टार्ट होगी और 1 ये 1/4 पार्ट कवर करेगी, तो ये आकर स्टॉप होगी 8 के ऊपर। डी पार्ट इसका, डी पार्ट है स्टार्ट फ्रॉम 5 और ये 3/4 रिलेशन, यानी कि 3/4 रिलेशन, 5 से स्टार्ट करेंगे और 3/4 रिलेशन, यानी कि इसके 9 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 2 पे आकर स्टॉप होती है, यानी कि ये मिड हैंड 5 टू स्टार्ट फ्रॉम 2 कवर करेगी और ये 2 पे आकर रुकेगी, अगर ये 3/4 में 4 रिलेशन कवर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सॉरी 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम, तो पहले आप ड्रॉ करोगे वॉच कवर, इसको कर लिया, करने के बाद में ये घड़ी बना ली इसकी, ठीक है। घड़ी बनाने के बाद में इसके ऊपर नंबर मार्क करने हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों ये ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये अपनी मर्जी से नहीं बनाने हैं, ये नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, जब भी कहीं भी आप काम करो तो नॉर्थ हमेशा ऊपर साउथ नीचे, और जो ईस्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड में और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। अब ये क्या कहता है कि कहां से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ईस्ट एंड वेस्ट, क्वेश्चन था विच डायरेक्शन विल यू फेस, आपका फेस किधर होगा, यू स्टार्ट फेसिंग, आप ईस्ट से स्टार्ट करते हो और कितना बनाना है हाफ रिलेशन, ईस्ट से स्टार्ट किया तो पूरा पूरा, यानी कि ये ईस्ट से स्टार्ट हो गया यहां तक चले और यहां पर हाफ रिलेशन बनता है आधा, तो आप कहां पर रुकेंगे एट वेस्ट, कहां पर रुक रहा है एट वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्लॉकवाइज है, यहां से जाओगे आप कहीं से भी चलोगे, इधर से यहां से स्टार्ट हो क्लॉकवाइज, यहां से स्टार्ट हो तो क्लॉकवाइज, यहां से स्टार्ट हो तो क्लॉकवाइज, और इधर कहीं से भी इस तरह से घूमोगे तो ये क्लॉकवाइज, उल्टी साइड में अगर घूमोगे तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। और आपने कहां से स्टार्ट किया, ईस्ट से स्टार्ट किया और पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आपका जो फेस होगा वो कहां पे होगा, वेस्ट के ऊपर होगा। सेकेंड पार्ट है ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रिलेशन क्लॉक वाइज, बी पार्ट है आपने 1.5 यानी कि 1.5 रिलेशन घूमना है, 1 मतलब कंप्लीट, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो गया आप ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये जाने के बाद में ये पूरा एक कंप्लीट रिलेशन हो गया यहाँ पे,
और उसके बाद हाफ है, यहीं से आप ओरिजिनल पॉइंट पर आ गए तो आप हाफ से स्टार्ट हो जाओगे। ये हाफ रोटेशन यहाँ आएगा तो आपका फेस क्या होगा, एक वेस्ट होगा, यानी कि आप वन एंड हाफ रोटेशन जाने के बाद में वेस्ट के ऊपर स्टॉप हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर सी, वेस्ट एंड मेक थ्री अपॉइंटमेंट फॉर रोटेशन एट एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है, उल्टा चक्कर लगाना है। क्वेश्चन नंबर वन, कहां से स्टार्ट करना है आपने, वेस्ट, वेस्ट से स्टार्ट करना है और ये वेस्ट है आपका, यहां से ये है आपका 3/4, तो 3/4 का मतलब होता है 9 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, ये तो होता है क्लॉकवाइज, ये मैंने एरो साइन दे रखा है ये आगे, तो 3/4 घूमना अपने रिलेशन, तो वेस्ट से स्टार्ट कीजिए और इधर से ऐसे उल्टी दिशा में, यहां पर नॉर्थ पे आ गए तो कहां पर रुकोगे, एट नॉर्थ। लास्ट क्वेश्चन है डी, साउथ एंड मेक वन फुल रेस्टोरेशन। ये एक घड़ी और बनाना बहुत, ये इसका डी पार्ट है, इतने 12, 3 इस तरह से आपने ये वॉच ड्रॉ करनी है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ऊपर ये नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड में ईस्ट और ये वेस्ट। साउथ, साउथ से स्टार्ट करना है, मेक ए फुल रिलेशन, ये है साउथ और रिलेशन फुल, कहीं से भी इधर इसमें फुल रिलेशन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ चाहे क्लॉकवाइज आओ, तो ओरिजिनल पॉइंट पर आया तो एट साउथ भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, आप इसमें खुद ट्राई करके देखना, नहीं आता तो